अभी बज रहे हैं 10:30 और रात के 10:30। मैं करने वाली हूँ अपना स्किन केयर, और उससे पहले मैं आपको बता दूँ आज है भाई का बर्थडे, मीन्स आज नहीं है, आज रात को हम लोग केक कट करने वाला है उसका। और कल है भाई का बर्थडे, तो कल बर्थडे सेलिब्रेट मतलब अच्छे से करेंगे, बट आज उसका रात का जो मिडनाइट केक होता है वो कट करेंगे। तो उससे पहले मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला गुड वेब्स का एक्टिवेट चारकोल फेस वॉश। ये तो आपको बहुत दिनों से पता है कि मेरा फेवरेट है, और ये मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, क्योंकि दिन भर मेरी देखो डल तो हो ही गई है स्किन। ये तो मैंने छोटी 3 दिन से नहीं निकाली है, ये माए ने बना के दी थी जब मैं जिस दिन आई थी। और बस ये अभी फेस वॉश कर लेती हूँ इससे, और उसके बाद अपना स्किन केयर नाइट टाइम स्किन केयर कर लेती हूँ। उसके बाद माही बनाने वाली है केक, तो माही के हाथों से बना हुआ केक तो अच्छा होता ही है। जो माही क्या बोलते हैं तो किस चीज़ का माही, ओरियो का केक जो बनाती है माही, वो बहुत ही अच्छा बनाती है, आप लोगों को सबको पता है। तो माही उसके मामा के लिए केक बनाने वाली है, और उसके बाद हम लोग फिर उसको केक कट करने के लिए बोलने वाला है। तो उसे पता नहीं है हम लोग रात को केक बनाने वाले हैं अभी, तो वो गया है सोने के लिए, थोड़ी देर के बाद उठा के लाएंगे उसे, और उसके बाद केक कट करवाएंगे उसका। तो चलिए फेस वॉश कर लेती हूँ। आप देख सकते हो डीप क्लींजिंग फेस वॉश है ना, तो पूरा डीपली क्लीन करता है ये, और पूरा जो एक्सेस ऑयल है आपके फेस का तो वो पूरा रिमूव कर देता है, और आपका फेस देखो पूरा क्लीन हो गया है मेरा फेस। अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ ये गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर, ये भी मेरा बहुत ही टाइम से फेवरेट है। जस्ट फेस पे स्प्रे कर लेना है, और उसके बाद मैं नाइट क्रीम के लिए यूज़ करने वाली हूँ ये गुड वाइब्स की नाइट क्रीम। सारे प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ इसे, मतलब काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, और रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका। तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो इसे, मतलब इन सारे प्रोडक्ट को। तो चलिए अप्लाई कर लेती हूँ नाइट क्रीम। सभी एब्जॉर्ब हो गया है स्किन में टोनर, और हाँ कूलर चल रहा है ना, तो इसी वजह से आवाज़ बहुत तेज आ रही है आपको, बट थोड़ा एडजस्ट कर लेना, पापा सो रहे हैं। नाइट क्रीम अप्लाई कर लेती हूँ, इससे एब्जॉर्ब होने देना है और बस सो जाना है। नाइट टाइम स्किन केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि आपका जो डे टाइम स्किन केयर होता है उसी तरह नाइट टाइम स्किन केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नाइट टाइम स्किन केयर में आपका आता है फेस वॉश, उसके बाद आप टोनर यूज़ करना है आपको, उसके बाद अगर आपको सीरम यूज़ करना है तो सीरम यूज़ करना है, अगर नाइट क्रीम है आपके पास तो आप नाइट क्रीम यूज़ करनी है, और बस आपका नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन डन है। उसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये लिप बाम जो पर्पल की है,
तो ये वाली लिप बाम मेरी फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है इसकी, पर्पल की लिप बाम है। बस ये अप्लाई कर लेती हूँ और उसके बाद डन स्किन केयर। चलिए अभी दीपाली भी आ गई है, उसको सुला के अभी नीचे आ गई है, तो हम लोग अभी बनाने वाले हैं केक। चलो देखो इन तीनों का क्या चल रहा है, अद्विक बीच बीच में क्यों कर रहे हो? मैं तो मेरे मामा के लिए केक बना रही हूँ। हाँ, और आप अपने हस्बैंड के लिए केक देख रही हो? देख रही हूँ। नहीं, हस्बैंड को मैं लॉक करके आई हूँ नीचे, मुझे पता नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं करके। तो दीपा में कस्टमर है और मैं शॉपकीपर हूँ, आपको कैसे कैसा टाइप का केक चाहिए? आप जो है आप बना तो पहले बना तो लो, बाद में डेकोरेट कैसा करना मैं बताऊंगी। और आप उसको ठंडा कर रहे हो, मतलब बिना बनाया ठंडा कर रहे हो? यहाँ पर ओवन रेडी है हमारा घर वाला, प्री हीट हो रहा है ओवन होम। तो बस यहाँ पर माही ने बना लिया, वैसे बहुत अच्छा केक बनाती है माही, आपने देखा है उसका केक। हाँ, माही चने के झाड़ पे चढ़ गई है। और बस अभी माही केक बना लेंगी, उसके बाद सब कुछ डेकोरेशन वगैरह हो जाएगा। डेकोरेशन ज़्यादा नहीं करने वाला, ऐसे ही सिंपल सा हम लोग ऐसे ही। तो बस वो हो जाने के बाद उसको ऊपर से बुलाएंगे, सो गया होगा अभी तक बेचारा। चलो चलो बना लो माही जल्दी से, मैं मम्मा से बातें करती हूँ तब तक। किसको खाना मिला था कि जल्दी आ जाए मेरे पास में? हाँ देखो मम्मी ने चोटी बना के दी है, कितने सालों के बाद मुझे अभी, सालों के नहीं, हाँ कितने सालों के, हाँ आई दोन वर्ष नंतर दिली असेल तू मला ही चोटी बांधून अशी, है ना? अद्विकच्या डिलिव्हरीच्या वेळेस बांधली, 4 साल बाद अद्विक के टाइम पे, मतलब डिलिव्हरी के टाइम पे मम्मी ऐसी चोटी बना के देती थी मुझे। दवाखाने, हाँ हॉस्पिटल में मुझे ऐसी चोटी बना के देती थी मम्मी। क्यूट लगती हो। और अभी तब से माही बना के देती है मुझे। कभी कभी मैं क्या करती हूँ, स्कूल में जाते ना बच्चे, उनके लिए से दो चोटी ऐसी बना के देती है। दो चोटियाँ बना के देती है मुझे स्कूल में, मतलब जो छोटे बच्चे बांधते नहीं है इधर उधर से, वैसे दो चोटियाँ बना के देती है माही मुझे। ये देखो ये इस तरह से डेकोरेशन किया है दीपाली ने। एक्चुअली यहाँ पर कैंडल जलाना बाकी है सिर्फ, अभी वो उठाने गई है भाई को। ये देखो अद्विक बलून तो बुलाया नहीं, लेकिन बलून फुलाने वाली मशीन और बलून लेके घूम रहा है कब से। बस अभी थोड़ी ही देर में होने वाला है केक कट, कैंडल जलाएंगे और उसके बाद वो नीचे आएगा तो केक कट करेगा। Happy birthday to you, happy birthday dear Golu, happy birthday to you. Anna yale chatun pahile aji thanga na ye okay happy dava dava purna karna de anki ge anki ge sakali 5 vaja zale pan ratri 12 pani अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और दीपाली बनाने वाली है सबके लिए नाश्ता। तो नाश्ते में क्या बन रहा है वो आपको दिखा देती हूँ। नाश्ते में आज कुछ स्पेशल बन रहा है भाई के लिए और सबके लिए भी। तो भाई के लिए आज बन रहा है दीपाली मूंगाच्या डाळीचे पकोड़े की बरबटी। अच्छा अच्छा बरबटी, बरबटीला हिंदी मध्ये काय म्हणतात? बरबटीस म्हणतात का? तर बरबटी की दाल के पकोड़े वो बन रहा है आज। तो चलिए रेसिपी दिखा देती हूँ मैं आपको, दीपाली कैसे बना रही है और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। बरबटी की दाल को भिगो के 2-3 घंटा भिगो के
फिर उसे पीस लिया है और उसके बाद इसमें डाल रही है हरी मिर्च का पेस्ट, मतलब आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो आप, और उसके बाद थोड़ा सा नमक वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद अजवाइन ऐड करना है थोड़ा सा, और बस इसको मिक्स करके इसके पकौड़ियाँ निकाल लेनी है। यहाँ पर ऑयल गरम करने के लिए रखा है, बस इसमें पकौड़ियाँ फ्राई करेगी और ये हमें नाश्ते के लिए देंगे, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पर बस फेंट रही है दीपाली। वैसे हमारे महाराष्ट्र में कोई त्यौहार होता है उस दिन हम लोग बनाते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल दिन होता है तब हम लोग बनाते हैं ये वाली पकौड़ियाँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बस इस तरह से पकौड़ियाँ डाल देनी है इसमें और फ्राई कर लेनी है, थोड़ी सी क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है आपको, और बस बन जाएगी आपकी बरबटी की दाल की पकौड़ी। अच्छे से क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेना है आपको। आजी माझ्या व्हिडिओ मध्ये हाय करून दे, तू असं कर। हाँ, आप लोग दीपाली से पूछ रहे थे ना कि उस दिन जहाँ पे गई थी वो कौन है, तो ये मेरी मम्मी की मम्मी है, नानी है मेरी। हाँ हाँ, खाऊंगी खाऊंगी आज, खाऊंगी खाऊंगी। कसे झाले? छान झाले, दीपालीने काढले ते। गाइज, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, और हाँ, आपको आज का जो ब्लॉग है, मतलब शाम को हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या क्या स्पेशल आज बना है भाई के लिए, सब कुछ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग देखना मत भूलेगा। और ये तो मिडनाइट सेलिब्रेशन था, बस वही था, और वो भी हमने सिंपल सिंपल सा किया जो लॉकडाउन में होता है वो, और बस आज देखने के लिए मिलेगा जो रियल सेलिब्रेशन है आपको वो। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके अलावा मेरे दो और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पर आपको इंस्टा का लिंक जो मिलेगा उस पर क्लिक करना, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, एक बार ज़रूर चेक कर लेना। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।